गाइस हमारा ये पार्ट टू है क्योंकि वो फॉर मैन हो गया था क्योंकि हमारी गैलरी फुल थी तो हमने थोड़ी वीडियो डिलीट की हैं उसके लिए जो वीडियो वो डिलीट की है हम ये देखते हो गया। अब चलो हम कैट के ऊपर थे ना, ये जो आपको कैट नज़र आ रही है ये कैट अपने केज में जाएगी। गेरा ये इसका केज जा अंदर कैट फिट भी हो जाता है और ये बंद भी होता है सकते हैं। हाँ बहुत छोटा सा है। अब चलो हम ये हो गया सारे पेट्स अपने केज में है, हम ये हटाते हैं चलो बाहर निकाल लेते हैं, हमको कुछ करना भी है तो हमने सब कुछ किया। ये बात भी है इसके साथ सारे पेट्स के साथ। और अब हम एक चीज कर रहे हैं तो गाइस अब हम दिखाएंगे ये नहीं ये सॉरी, ये हमारे पास सारा फूड है। हमारे पास ये दो बैरल्स हैं, ये वाला एक कैट फूड है और ये एक डॉग फूड है। ये फूड नहीं है, ये वाटर है। और ये छोटा है, ये वाटर है। हाँ पता नहीं इसमें फिश लिखा हुआ है। चलो अब हम ये दिखाते हैं कि हमारे पास ये दो बड़े डब्बे हैं। ये छोटा है का, ये छोटा है, ये छोटा है, वो बड़ा है, ये छोटा है साइज में। हाँ ये छोटा है साइज में, वो देखो कितना है, सेम। वो सेम है, ये सेम है, ये दो नहीं ये भी छोटा है, ये मोटा है, ये डॉग वाला मोटा है, कैट वाला पतला है और ये इसमें भी छोटा। हाँ ये सब कुछ है, मम्मी हटाते हाँ सारा वो है हम डॉग फू। अब हम दिखाते हैं ये हमारे पास ये सब कुछ हटा दो सारे एक्सेसरी। अब ये आपको नज़र आ रहा है ये बहुत बड़ा सा एक प्लेट है, इसमें डॉग दो ही आ सकते हैं, इसमें दो ही आ सकते हैं बस बस। हाँ चार नहीं आ सकते। हाँ बाकी स्टैंड भी हो सकती है, स्टैंड नहीं, स्टैंड नहीं हो सकती, इसकी जेली लेग्स है ना, जेली। अब फिर ना जेली बेर गमी बेर मत वो नहीं होता। अब हमारे पास एक हेयर ड्रायर है, वो गीले होंगे। और फिर हमारे पास एक ब्रश, ब्रश और एक बाउल है, दो उसमें डबल है। और एक स्क्रब साबुन लग रहा है मुझे तो, ये साबुन है या स्पंज है, मुझे तो साबुन लग रहा है, साबुन ही होगा। एक बोन है हमारे पास और हमारे पास एक रेजर है काटने के लिए बाल। और फिर हमारे पास एक कैट टॉय है, ये डॉग टॉय कह सकते हैं, पता नहीं कैट टॉय या डॉग टॉय, मुझे लग रहा है दोनों के लिए। अब हाँ अब चलो हम ना लास्ट सीजर्स भी है, ओ हाँ सीजर्स भी हैं सॉरी। अब ये हमारे पास एक सीजर है, मूव भी होता है, ये मूव भी होता है, इतनी डिटेल्स है इसमें, इतनी डिटेल्स है, ये स्टैकेबल सब कुछ अच्छा है सब कुछ। और एक कार्डबोर्ड हटा दे, ये नहीं बस, ये कार्डबोर्ड भी है लेकिन मुझे रखना है क्योंकि ये बहुत अच्छा लगेगा। और फिर आप दिखाते हैं नेक्स्ट। तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है जो पेट शॉप के पास होनी चाहिए। अब हमारे पास ये कार्डबोर्ड है, वो बाद में दिखाएंगे। अब ये हमारे पास एक शेल्फ है, शेल्फ सब कुछ है इसमें तो। और अब हमारे पास एक एमएलएफएन, तो हमारे पास एक ये शेल्फ है, इसमें यहाँ पे साइन लिखा हुआ है डॉग एंड कैट के ये। और ये भी मूव होता है। फिर हमारे पास ये है, ये खुलता है खुल गया यहाँ पे वॉश करेंगे। और ये हमारे पास एक शावर है, शावर है हमारे पास, और आप पानी भी डाल सकते हो रियल। हाँ रियल पानी है, आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं सबसे बड़ा।
अब फिर आप अगर आपको पानी कैसे पानी डालते हैं क्या बोला जा रहा है शावर आई तो ये शावर आप इसको खोले ये खुल गया है आप उसके अंदर पानी डाल सकते हैं और ये अभी कोई सिंक विंक नहीं है शावर आने के लिए तो हाँ आपको अपने खुद करना जो भी होगा ये बेंडेबल है बेंड होता है सिंक और छोटा कर देते हैं सो छोटा कर भी सकते हैं इसको अंदर डालो अंदर डालो अंदर डालो अंदर डालो गुड छोटा हो गया स्पिन भी हो सकता है स्पिन हो सकता है अब फिर हमारे पास एक कार्डबोर्ड बबल्स है हम यार इस साइड पे डाल सकते हैं ऐसे और या ऐसे और फिर हमारे पास ये है यहाँ पे सब कुछ बना हुआ है ये हमने स्टिकर नहीं लगाया इसमें स्टिकर नॉट इंक्लूडेड ये बस लगा हुआ है और हाँ ये पीछे एक डॉगी बना हुआ है कैट पता नहीं क्यों नहीं बनी हुई और फिर हमारे पास ये दो शेल्व्स हैं जिसमें आप चीज़ें रख सकते हैं मैं बैरल रख दूँ बैरल रख सकते हैं बैरल रख सकते हैं सब कुछ आपको रखना है आप रख सकते हैं तो हाँ गाइस ये हमारा पूरा पेट तक है और एक चीज़ दिखानी है हमारे पास ये बैकग्राउंड है आप रख सकते हैं इसमें चीज़ें से मुझे रखनी है बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो अच्छा भी लगेगा इसमें अगर आपको चाहिए ये फेंस लगा हुआ है तो बहुत अच्छा है तो गाइज ये पार्ट 2 था लास्ट पार्ट बाय बाय